आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद आप एक चीज जरूर बोलोगे, क्या बात है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स, ट्रिक्स, हैक, एप्लीकेशन, वेबसाइट बताने वाला हूँ जो आपके बड़े ही काम आने वाला है। एंड ट्रस्ट मी, ये इन्फॉर्मेशन ऐसी इन्फॉर्मेशन है जिसके बारे में आपने सोची ना होगी। नंबर वन, आपको सिंपली गूगल पे जाके सर्च करना है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। जो सबसे पहला वेबसाइट आएगा इसे ओपन कर लेना है। ये वेबसाइट हर एक स्कूल में पढ़ने वाले स्टूडेंट को, कॉलेज में पढ़ने वाले स्टूडेंट को, ग्रेजुएशन करने वाले हर उस स्टूडेंट को पता होना चाहिए, क्योंकि ये वेबसाइट आपके बड़े ही काम आने वाला है अगर आप एक स्टूडेंट हो तो। नोट्स, लेक्चर, ट्यूटोरियल्स, बुक्स, हर वो चीज जो एक स्टूडेंट को चाहिए होता है, तो इस वेबसाइट पे आके आपको प्रोफेसर्स द्वारा सिखाए गए फ्री लेक्चर्स मिलेंगे। एंड एक स्टूडेंट को और क्या चाहिए, क्यों? नेक्स्ट जो पार्ट आप देखोगे ये स्पॉन्सर किया है इंटेल ने। हाय, मैं हूँ मनोज सारू और आज मैं इंटेल 11th जेन वाले लैपटॉप्स के बारे में कुछ सवालों का जवाब देने वाला हूँ। क्या इसमें गेमिंग फास्टर होती है? बिल्कुल, अप टू 2 times फास्टर होती है। क्या इसकी बैटरी लाइफ अच्छी है? पिछले जनरेशन से आप ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्या इससे बेहतर प्रोडक्टिविटी और कनेक्टिविटी मिलेगी? हाँ, इससे 32% तक फास्टर रियल वर्ल्ड प्रोडक्टिविटी मिलेगी और नियरली 3 times फास्टर वाईफाई मिलेगा थैंक्स टू इंटेल वाईफाई 6। क्या इसमें AI का पावर है? इस सवाल का जवाब भी है, हाँ है। तो गाइज, अगर आप एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं तो जस्ट आस्क, क्या इसमें इंटेल 11th जेन है? इट्स ऑल यू नीड। नेक्स्ट, ये एक ऐप है, इनफैक्ट एक गेम है जो आपकी पुरानी यादों को ताजा करेगा। वो भी क्या दिन थे जब हम नोकिया के फोन में स्नेक गेम्स खेला करते थे। आजकल तो हर किसी को फ्री फायर, BGMI, PUBG यही पसंद आते हैं। बट अगर आप सेम पुरानी यादों को ताजा करना चाहते हैं, सेम वही गेम जो स्नेक गेम है वो पूरा एक नोकिया के फोन में, उस गेम को फील करना चाहते हैं आप अपने एंड्रॉइड स्मार्टफोन में, सो आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और सर्च करना है स्नेक ज़ेंजिया रिवाइंड 97 रेट्रो गेम और इसे डाउनलोड कर लेना है। और जैसे आप इस गेम को डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद ओपन करोगे, तो वहां पर आपको ये जो स्नेक गेम है जैसे पहले आप नोकिया के फोन में खेला करते थे, सेम वही एक्सपीरियंस आपको देगा। तो इसी बात पे तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। नेक्स्ट, ये एक वेबसाइट है और उन यूजर्स के लिए है जो लोग अपनी टाइपिंग स्पीड को बेहतर करना चाहते हैं, अपनी टाइपिंग स्पीड को इम्प्रूव करना चाहते हैं, जिसका नाम है 10fastfingers.com। यहाँ पर आके आप अपनी टाइपिंग स्पीड इम्प्रूव कर सकते हो, टेस्ट प्रैक्टिस मोड को ओपन करके प्रैक्टिस कर सकते हो। इसमें आपको 1000 टाइपिंग मोड्स मिल जाते हैं, एडवांस टाइपिंग टेस्ट इंग्लिश मिल जाता है, टाइपिंग कॉम्पिटिशन मिल जाता है। मतलब ये वेबसाइट आपकी टाइपिंग स्पीड को डेफिनेटली काफी ज्यादा इंप्रूव कर देगा अगर आप एक्चुअली में अपने कंप्यूटर फिर लैपटॉप में जो टाइपिंग स्पीड है उसे इंप्रूव करना चाहते हैं तो। अगला, ये विंडोज यूजर्स के लिए है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने विंडोज में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कैसे लोगे? आप इसे मोस्टली लोग कहोगे विंडोज और प्रिंट स्क्रीन का बटन दबाओ। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आपको जो विंडोज में दिखाया गया है उसके सिलेक्टेड पोर्शन, सिलेक्टेड चीजों का ही स्क्रीनशॉट लेना है, तब आप कैसे लोगे? So, इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, अपने कीबोर्ड पे विंडोज शिफ्ट और एस का बटन दबा देना, उसके बाद आप अपने विंडोज में जो भी दिखाया जाएगा, जिस भी एरिया को आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, जिसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक वेबसाइट है जिसका नाम है 123apps.com। और मैं आपको बता दूं, ये कोई नॉर्मल वेबसाइट नहीं है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक ही वेबसाइट के अंदर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। पहले जैसे आप इस वेबसाइट को ओपन करोगे, यहां पर आके आप वीडियो एडिट कर सकते हो, ऑडियो एडिट कर सकते हो, वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हो, PDF टूल्स यहां पर आप पा सकते हो जिसमें आप स्प्लिट कर सकते हो, मर्ज कर सकते हो, कंप्रेस कर सकते हो, अनलॉक कर सकते हो। और हाँ, यही नहीं, इस वेबसाइट के अंदर आके आप ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, वर्ड फाइल, इन सभी को आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जिसमें भी आप कन्वर्ट करना चाहते हो। नेक्स्ट, ये एक हैक है जो पर्सनली मैं यूज करता हूं, जो मुझे लगा कि हाँ शायद आप लोगों के काम आ सकती है, और वो है नोट्स। आई एम श्योर आजकल हर कोई अपने स्मार्टफोन में एक नोट्स बना के रखता है जिसमें वो अपनी सारी इंपॉर्टेंट चीजें रखता है, जो भी चीजें उन्हें करनी होती है, टू डू लिस्ट या फिर टास्क या फिर कुछ भी टेक्स्ट हमें सेव करके रखना होता है, तो एक नोट्स हम बना के रखते हैं। सो एक सिंपल सा हैक है, आप व्हाट्सएप को नोट्स की तरह यूज कर सकते हैं। यस, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक सिंपल सा ग्रुप क्रिएट करना है और उसमें अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव का जिसको भी एक पर्सन को ऐड कर देना है और अपने आप को ऐड कर देना है, और उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे ऐड हो जाएगा उसके बाद वहां पे उस पर्सन को जिसको भी आपने ऐड किया उसे किक आउट कर दीजिए। उसके बाद वो जो ग्रुप होगा उस ग्रुप का आप कुछ भी नाम ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आप नोट्स ले सकते हैं, शर्म नहीं आए, शर्म नहीं आए तुझे, और वहां पर जो कुछ भी आप नोट्स शेयर करना चाहते हैं या फिर जो कुछ भी नोट्स आप वहां पर सेव करना चाहते हैं वो वहां पर आप सेव करके रख सकते हो। नेक्स्ट, आपको कुछ ऐसे प्रोफाइल पिक्चर्स बनाना है, वो भी कुछ ही सेकंड में, यूं चुटकियों में,
कैसे बना सकते हैं? वेरी सिंपल, बस गूगल पर जाओ, सर्च करो pfpmaker.com, जो सबसे पहले वेबसाइट आएगी उसे ओपन कर लेना और वहां पर जाके आप अपनी कोई भी सिंपल सी पिक्चर को आपको बस उससे अपलोड कर देना, और अपलोड करने के बाद ये जो वेबसाइट है ऑटोमेटिकली आपको एक कमाल की अमेजिंग ऑटो जनरेटेड प्रोफाइल पिक्चर दे देगा जो देखने में कुछ इस तरह का लगेगा। एंड ऑफकोर्स नॉर्मल प्रोफाइल पिक्चर से ये इंटरेस्टिंग लगेगा, जिससे आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने फोन की रैम को इंक्रीज कर सकते हो, फिजिकली नहीं लेकिन वर्चुअली, यस, वो भी एक ऐप की मदद से और विदाउट ऐप की मदद से। यस, एक ऐप है प्ले स्टोर में आपको मिल जाएगा, स्वैप नो रूट, इसकी मदद से आप अपने फोन की जो रैम है, जो इंटरनल स्टोरेज है, उसे ही एक रैम की तरह यूज कर सकते हो, यानी आप अपने फोन में वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हो, जहां पर रैम की जरूरत होगी वहां पर इस वर्चुअल रैम का यूज भी किया जा सकता है। वैसे दोस्तों आप अपने फोन में बिना ऐप के भी वर्चुअल रैम बना सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्मार्टफोन ब्रांड अपने फोन के सेटिंग्स में ये फीचर पहले से ही देते हैं, कुछ फोन्स में है कुछ फोन्स में नहीं है, आप सर्च कर सकते हैं वहां पर जाके वर्चुअल रैम, अगर सपोर्ट है तो वहां पर जाके आप खुद से एक वर्चुअल रैम क्रिएट कर सकते हैं, 2GB 3GB 5GB। नेक्स्ट, ये एक वेबसाइट है जो कि एक ओपन सोर्स वेबसाइट है, विच मीन्स कि ये फ्री है। इस वेबसाइट का नाम है undraw.co, गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको सिंपली ये मिल जाएगा। यहाँ पर आके आपको इलस्ट्रेशन मिल जाएंगे अपने प्रोजेक्ट के लिए, सीवी के लिए, आर्ट्स के लिए, ग्राफिक्स के लिए, या फिर किसी भी तरह की इलस्ट्रेशन आपको चाहिए पर्सनल यूज कमर्शियल यूज के लिए, देन यहां पर आके आपको ये इजीली मिल जाएगा। एंड सबसे अच्छी बात, ये एब्सोल्युटली फ्री है। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको अपने फोन में स्क्रीनशॉट लेना है तो आप सिंपली इस तरह से स्क्रीनशॉट लोगे, लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक लॉन्ग स्क्रीनशॉट लेना है कुछ इस तरह से, देन आप कैसे ले सकते हो, वो भी विदाउट एनी ऐप। बड़ा ही सिंपल है, बहुत से लोगों को ये पता है, बहुत से लोगों को पता नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपली अपने फोन में जिस तरह से स्क्रीनशॉट लेते हो वैसे ही स्क्रीनशॉट लेना है, और जैसे आप स्क्रीनशॉट लोगे तो वहां पर नीचे की साइड में आपको एक एरो दिख जाएगा जहां पर लॉन्ग स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रोल का ऑप्शन दिख जाएगा, तो इस पर क्लिक करके आप अपने फोन में जो भी लॉन्ग स्क्रीनशॉट है या फिर किसी भी एक लंबी चीज का यहां पर आपको स्क्रीनशॉट लेना है, देन आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वो भी हाई क्वालिटी में। सर कैसी लगी जानकारी, इंटरेस्टिंग, मजेदार, धमाकेदार है ना? सर इसी बात पे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और मिलता हूं मैं आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।